अगर 100 कस्टमर्स हैं और 200 अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो होता क्या है, सबका बुकिंग नहीं होगा, आपका जो भी बुकिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी प्रोजेक्ट में 70% बुक हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे 30% बुकिंग पे रुक जाते हैं और वो फिर आगे बढ़ नहीं सकते, उनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टन हो जाता है, वो अपना डेट सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट लोन लिया होता है। अब यहां पे आता है बैंकिंग इंडस्ट्री का कॉन्स्पिरेसी का पार्ट। बैंक्स प्रोजेक्ट लोन देके बैठ जाते हैं। प्रोजेक्ट लोन क्यों देते हैं? इसलिए नहीं देते कि भाई हमने प्रोजेक्ट देखा है, समझा है, उसे साउंड प्रोजेक्ट समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये क्राइटेरिया नहीं रहा। अब ये क्राइटेरिया, उनका क्राइटेरिया कुछ ऐसे रहता है, भाई देखो ये क्वार्टर में हमने इतने करोड़ों का बिजनेस किया है, इतना हमने 500 करोड़ का लोन बिजनेस किया है इन द लास्ट क्वार्टर, तो भाई ये क्वार्टर में हमको 550 करोड़ का लोन करना पड़ेगा। अब एक्सीड करने के लिए वी विल कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब हम लोधा, गोदरेज, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके साथ हाथ मिला के बैठेंगे। उनका भी हर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला है। बैंक्स को लगता है भाई बिजनेस करने के लिए इनके पास एक रिश्ता बना के रखना चाहिए, और इसलिए उनके प्रोजेक्ट्स कभी रिजेक्ट नहीं होते। चाहे उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला हो या न होने वाला हो, उनके प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट नहीं होते। इसमें एक स्केपगोट मिल जाता है। स्केपगोट मतलब बलि का बकरा। बलि का बकरा कौन है? आम आदमी है। पहले देते हैं बिल्डर को प्रोजेक्ट लोन। अब पता चलता है अरे यार, लेकिन ये बिल्डर का ये प्रोजेक्ट शायद कंप्लीट नहीं होगा। बैंकर्स को पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो सही काम क्या है इसमें? सही काम ये है, स्टॉप कर दो, जितना दिया हुआ है उतना में स्टॉप कर दो। यानी प्रोजेक्ट लोन समझो 40% 50% डिसबर्सल किया है, तो बाकी का 50% डिसबर्सल मत करो, और फिर उस बिल्डर को ब्लैकलिस्ट करो या फिर उस बिल्डर से पैसे वसूलने का काम करो। फ्लैट बायर की नौकरी चली जाती है या उसका बिजनेस का कैपेसिटी कम हो जाता है, तो बैंक्स क्या करते हैं? वो कहते हैं सर हमें लग रहा है कि आपका सिचुएशन खराब हो रहा है, हमारे पैसे वापस दे दो। वो ये नहीं कहते हैं अरे आपका सिचुएशन खराब हो रहा है तो हम आपको ज्यादा डील देंगे, ज्यादा छूट देंगे। वो कहते हैं आपको रोक देंगे हम। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, बिल्डर्स को छूट दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, जहां पे उनको पता है कि ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है, इट इज अनएथिकल, अनैतिक है ये कि वो किसी और को उसके अंदर डाले, वो ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल क्लोज नहीं करते, शट डाउन नहीं करते। वो क्या करते हैं, भाई बिल्डर अब प्रोजेक्ट को बेचेगा आम आदमी को, फ्लैट बायर को, फ्लैट बायर इनसे लोन लेगा। किस तरह का लोन? होम लोन। होम लोन इनके पास जाएगा, होम लोन का अमाउंट बिल्डर के पास जाएगा और प्रोजेक्ट लोन को वो वापस खींचेंगे। होम लोन का अमाउंट डिसबर्सल हुआ, प्रोजेक्ट लोन को वो लोन को वापस खींच लिया, और थोड़ा होम लोन डिसबर्सल हुआ, प्रोजेक्ट लोन को वापस खींच लिया। अब डेटर कौन है? पहले था उनका जो कर्जदार था वो था बिल्डर, अब कर्जदार कौन है? कर्जदार हो गया आम आदमी, आम आदमी को कर्जदार बना दिया। बिल्डर से कर्ज का जो लोड था वो कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लोन कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, होम लोन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब अगर बिल्डर फेल हो जाता है, बिल्डर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है या बिल्डर लेट कंप्लीट करता है, 2 साल 4 साल 5 साल लेट करेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कौन भरेगा? इंटरेस्ट कॉस्ट किसके सर पे आपने लोड कर दिया? आपने पूरा लोड कर दिया आम आदमी पे। आम आदमी ने 20-30 साल का लोन ले रखा है, उसको घर मिले ना मिले लोन तो रीपे करना है उसे, उसकी नौकरी चाहे चली जाए आम आदमी को लोन रीपे करना है, फ्लैट बायर लोन रीपे करेगा। अगर फ्लैट बायर लोन रीपे नहीं करता है तो ये लोग उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसके घर पे पहुंच जाएंगे, कलेक्शन एजेंट्स को भेज देंगे, परेशान करके रख देंगे, जीना हराम करके रख देंगे, उसका खाने पीने का हर निवाला हराम हो जाएगा, उसका सोना, जागना, काम पे जाना, हर चीज हराम हो जाएगा। वो ऑफिस जाएगा तो वहां पे उसे परेशान करेंगे, फोन कर करके हैरान कर देंगे, घर पे आएगा तो उसको घर पे फोन उसके घर पे यहां पहुंच जाएंगे, तो उसको परेशान करते हैं। बिल्डर को परेशान नहीं करेंगे, कंपनीज को परेशान नहीं करेंगे, लोधा जैसी हस्तियों को परेशान नहीं करेंगे। बैंक्स जानते हुए कि ये प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है तो भी होम लोन लेने के लिए कहते हैं ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, आप होम लोन ले लो,
उनको अपना प्रोजेक्ट लोन रिकवर करना होता है, इसीलिए आम आदमी को होम लोन पकड़ा देते हैं। उसका होम मिलने वाला है क्या? उसने जिस उद्देश्य से लोन लिया था वो होने वाला है क्या? बैंक्स को पड़ी नहीं है।